हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राज कचौरी। जैसा नाम है वैसी बहुत ही टेस्टी भी है। ये जो शादी ब्याहों में बनती है ना, वही उसी तरीके से हम आज घर पर ही तैयार करेंगे ये राज कचौरी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, ये हमने ले लिया है गेहूं का आटा, जो रोटी बनाते हैं ना वही आटा है। और ये मैंने ले ली है सूजी, जितना ये सूजी से भरा हुआ है कप, उतना ही मैंने लिया है इसमें आटा। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा, ऊपर तक भर के डालना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और अब हमें इसका डो तैयार करना है। आटा हमें कैसा लगाना है, हल्का सा गीला लगाना है, जैसे रोटी का लगाते हैं ना, ऐसा लगाना है। क्योंकि जो सूजी है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, पानी को पीती है। तो जब आप फिलहाल में ऐसा लगाओगे, तो बाद में जब इसको हाफ आवर के लिए रखेंगे ना हम, तो ये अपने आप ही पूड़ी जैसा आटा हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ी देर में इसको अच्छे से मसल लूँगी, 1 से 2 मिनट मसलना है। और उसके बाद आपको इसको ढक के हाफ आवर के लिए रख देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको ढककर हाफ आवर के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हो जब मैंने लगाया था, जब कितना सॉफ्ट था, और अब ये थोड़ा हार्ड हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। आप कोई फूड कलर भी डाल सकते हो, येलो कलर का, या फिर हल्दी भी डाल सकते हो, नहीं तो दोनों चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हो। बस इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस कलर अच्छा सा आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने हल्दी डालकर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था। और अब मैं ये हल्दी है इसको अच्छे से मिला लूँगी। जब तक ये हल्दी मिलेगी ना, उसी में हमारा ये डो एकदम अच्छे से लग के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस डो को मसला था अच्छे से, और हमारा डो है अब वो पूड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसके लोइयां तोड़ लेंगे। इसकी लोइयां कितनी बड़ी तोड़नी है आपको, एक नींबू के आकार की, देख सकते हो आप। तो मैंने इसकी लोइयां तोड़ ली, बाकी की एक लोई लेंगे, बाकी का हम ढक के रख देंगे। क्योंकि अगर आपने खुले में रख दिया ना, तो इसमें पपड़ी पड़ जाएगी और फिर आपकी जो पूड़ी है वो फूलेगी नहीं। तो ये देखिए, इसको मैं बेल लूँगी। तो आप देख सकते हो इसकी मोटाई, मैं आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से। ये देखिए, इतनी होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं सारी पूड़ी है उनको बेल लूँगी। तो ये देखिए, इधर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, एक डाल के देखेंगे, हमने ये थोड़ी सी गोली डाली और ये तुरंत ऊपर आ गई। इसका मतलब हमारा ऑयल है वो ठीक ठाक गर्म है। ऑयल में डाल देंगे और एक तरफ से बस थोड़ा सा ही पकने देना है, तुरंत ही पलट देना है। और दूसरी तरफ से अब हमको हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। तो ये देखिए, हमारी ये जो पूड़ी है कैसे गुब्बारे की तरह फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्लेम है वो स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसको कड़क बनाना है, क्रिस्पी बनाना है। तो इसलिए आपको अब ये स्लो फ्लेम पर पकाना है। पकाना कब तक है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, पकना जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये सुनहरे कलर की हो गई है, और ये हमारी पूड़ी बनकर हो गई है तैयार। अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा दूसरा बैच और बता देती हूँ, आप चाहो ना तो 2 पूड़ी एक साथ भी बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से पलट लेंगे, हल्का सा दबाएंगे, क्योंकि हल्का सा दबाओगे ना, उससे एकदम ये फूलते हुए आएगी। अब देखिए, दूसरी पूड़ी भी डाल दूंगी मैं इसमें, और फिर इसी तरह से हम इसको भी, क्योंकि जल्दी ही कुछ सेकंड बाद ही पलट देना है, एक तरफ से ज़्यादा नहीं पकने देना है। ये देखिए, एकदम गुब्बारे की तरह फूल गई है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, क्योंकि हमें ये पूरी जो पूड़ी जब तक पकेगी, तब तक हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। बस जब हम इसको तलेंगे, जब हम शुरुआत में डाल रहे हैं, तब आपको हाई फ्लेम रखनी है, और उसके बाद आपको इसकी फ्लेम है वो स्लो कर देनी है, तभी आपकी क्रिस्पी करारी बनेगी। तो देखिए, मैंने ये सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं, देख सकते हो आप।
आवाज भी सुन सकते हो। ये देखिए, एक आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। आई ना आवाज फ्रेंड्स? तो इसी तरह से आप भी ये पूड़ियाँ तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं, जो इसमें अंदर हम माल मसाला भरेंगे। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने ये चने और मूंग की दाल थी, ब्लैक वाले चने हैं, इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह मैंने पानी में नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ये मैंने दो आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया और इनके पीसेस कट कर लिए। अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन, हरा धनिया और एक हरी मिर्च। तीखा आप जैसे पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च बड़ा घटा सकते हो। और ये मैंने डाल दिए हैं पोमग्रेनेट, कुछ मैंने बचा के रखे हैं, बाद में डेकोरेट के लिए चाहिए होंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला और हाफ टी स्पून डाल देंगे हम इसमें ब्लैक साल्ट। और ये मैंने ली है ग्रीन चटनी, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम ग्रीन चटनी। चटनी ग्रीन वाली और फ्रेंड्स रेड वाली जो मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं पहले इन दोनों चटनियों के वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर मैं इसमें भी डालती ना फ्रेंड्स तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये देखिए, अब हम एक पूड़ी ले लेंगे, इसमें बीच में होल कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये स्टफिंग लेंगे और इसमें अंदर भर देंगे। आप इसमें मटर वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आपको मटर पसंद है ना तो जो ग्रीन वाली आती है वो मटर भी डाल सकते हो। और अब मैंने लिया ये मिक्सचर वाली नमकीन, ये डाल देंगे इसमें। और अब हम फिर से डालेंगे इसमें ग्रीन चटनी। तो ये ग्रीन चटनी है ना फ्रेंड्स थोड़ी तीखी है, तो उसी हिसाब से डालिएगा आपको तीखा कितना पसंद है। और ये हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। ये दही है ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया, दही गाढ़ी वाली लेनी है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी थी चीनी। 1 गिलास दही है, इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और 1/2 टीस्पून डाल दिया मैंने नमक। अच्छे से फेंट लिया था इसको मैंने, ध्यान रहे जो दही है वो एकदम थिक होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब हम इसमें दही डाल देंगे, अच्छी खासी डाल देनी है। और अब हम इस पर डाल देंगे पोमग्रेनेट, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑनियन, और अब हम इस पर डाल देंगे फिर से ये हरी वाली चटनी, फिर से डाल देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। और अब हमने ये जो बारीक वाली सेव आती है ना, ये वाली ली है, तो ये ज़्यादातर पूड़ी जो बनाते हैं दही पूड़ी बनाते हैं उनमें ही डलती है, चाट में डलती है ज़्यादातर। तो ये देखिए मैंने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, ये मैंने लिया है भुना हुआ जीरा, और थोड़ा सा डाल देंगे हम रेड चिल्ली पाउडर। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी ये राज कचौरी बनकर तैयार हुई है। इसको मैं और थोड़ा सा सजा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना कई गुना ये खाने में टेस्टी है। तो फ्रेंड्स घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। इतनी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनता ही है।